स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम तर पॉइंट्स को, मेरी बताई हुई बातों को अच्छी तरह याद रखना है। ये आपके फाइनल टर्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, हर बंदा जो है वो अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सके। यूनिवर्सिटी ने, आप सबको पता है, ग्रेडिंग स्कीम चेंज कर दी है, और उस ग्रेडिंग स्कीम को लेकर मैं आपको आज डिटेल से गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड करूँगा। देखें जी, आपका जो मिड टर्म का सिलेबस था वो 1 से लेकर 18 लेक्चर तक था। अब आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस होगा वो 19 से लेकर 45 लेक्चर तक जो है वो होगा। इसी तरह जिसके मॉड्यूल्स हैं वो CS 101 जैसे हैं, तो उनका 80 तक था, तो 81 से लेकर ऑनवर्ड 234 तक मॉड्यूल्स उनके होंगे। 601 के जो मॉड्यूल्स हैं वो ये होगा कि आपके 100 तक थे, तो आपके तकरीबन 220 टोटल मॉड्यूल हैं, तो 101 से लेकर 220 तक होंगे। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका मिड टर्म का रिजल्ट कब आ रहा है। तो आपका जना मिड टर्म का जो रिजल्ट है वो आपका तकरीबन आफ्टर 20 टू 22 डेज तक जो है वो आ जाएगा। और इतने दिनों में आप लोगों ने अपनी फाइनल टर्म की डेट शीट भी बनानी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बताने वाली हैं वो ये हैं कि अगर आपके मिड टर्म में 20% नंबर होंगे देन आप फाइनल दे सकेंगे, अदरवाइज आप फाइनल नहीं दे सकेंगे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताने वाली है कि आपका टोटल 33 नंबर का पेपर था, तो 33 में से कम स्टूडेंट्स आपके 12 नंबर आने चाहिए, ठीक है। सॉरी, 36 नंबर का पेपर था आपका तकरीबन, तो 36 में से कम आपके 12 नंबर आने चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट के 12 नंबर नहीं आते, उससे कम आते हैं, तब भी वो बंदा फाइनल दे सकता है, बशर्त ये कि फाइनल में बहुत अच्छे नंबर आप लोगों ने गेन करने हैं ताकि आपका टोटल CGPA अच्छा हो जाए, ठीक है। ग्रेडिंग स्कीम में मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरे ऐसे स्टूडेंट जिनका ए ग्रेड है, यानी कि तमाम तर सब्जेक्ट्स में ए प्लस है, ए माइनस है, और एक जो है वो सिंपल ए ग्रेड है, उनका सेमिस्टर CGPA जो है वो 3.09 तक चला गया है। हालांकि उनका सेमिस्टर CGPA 3.6 से अबव था। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने फाइनल टर्म की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है ताकि आप लोग अपने सेमिस्टर CGPA को एक मेंटेन कर सकें, ठीक है। ग्रेडिंग स्कीम के मुताबिक आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आप लोगों ने फाइनल टर्म को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, लेकिन उससे जाने मज़ीद आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वेबसाइट डेवलप करने में, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, बैक एंड डेवलपर्स हैं, मेटा सिस्टम एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिनसे मेरी बात हुई है, वो आप लोगों को एक बेसिक टू डेवलप जो है वो बेसिक टू एडवांस लेवल तक प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, जिसमें HTML CSS वगैरह होगा। तो आप लोग उनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं डायरेक्टली आपको उनके ग्रुप में जो है वो आगे सेंड करवा दूंगा। वहाँ पे आप लोगों को जो फैसिलिटी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की रेफरेंस जाने से मिल रही है वो ये है कि आप लोगों को 90% जो है वो ऑफ दिया जाएगा। टोटल 50,000 का है और आप लोगों को जो है 2500 में, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से 6 मंथ का कोर्स है। आप 2500 जो है वो पर मंथ के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में फ़ीस देंगे, जिसमें एक हफ्ता आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो होगा, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि हम सर साकिब के रेफरेंस हैं, तो आपको इंशाल्लाह ओवरऑल तमाम तर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को ऑनलाइन वर्क दे दें और आप लोग वहाँ पे 6 माह बाद कोर्स करने के बाद आप लोग वहाँ पे जॉब भी कर सकें। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। वो मुझे ये भी कह रहे थे कि हम हो सकता है कि वो क्लाइंट्स डायरेक्टली इंटरेक्ट आपकी तरफ करेंगे, ये क्लाइंट का काम है, और आप लोग वहाँ पे जाके उन क्लाइंट्स का काम करें और सॉफ्टवेयर हाउस आपको उस चीज़ का पे करेगा, आपके घर बैठे आप लोग जो है वो ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेकिन ये वो कोर्स है जिसमें आप अच्छी से जॉब प्लेस पे, यानी कि अच्छी एक जॉब भी कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे बताइएगा, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दिस वन इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फर्दर गाइडलाइन जो है प्रोवाइड कर दूंगा। जनाब, अपने पोजिशन या अपने टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आते हैं। तो मिड टर्म का रिजल्ट हमने बात कर ली, आपका कब आ रहा है जी, 20 टू 22 डेज तक। अब हम आते हैं फाइनल टर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं मिड टर्म की ही बात करूं तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो वीडियो बना के कह रहे थे और उनकी थंबनेल भी यही थी कि बिना पढ़े कैसे पास हुआ जाता है।
इसकी गाइडलाइंस मैं आपको थोड़ी देर आगे चल के बताता हूँ, लेकिन मैंने अभी जो आपको बताया कि आप लोगों ने 60% को मेंटेन करना है। अगर आपका पेपर 70 नंबर का होता है, लेट सपोज कि मेरा पेपर 70 नंबर का है, तो 70 में से कम अज़ कम आप लोगों ने जो नंबर मेंटेन करने हैं ना, वो 40 होने चाहिए या 35 होने चाहिए, आपका फिर सेमिस्टर CGPA अच्छा बनेगा। अदरवाइज आप जो है वो 2 point something में ही रहेंगे, और जब तक आप 2 point something में, तो दिस इज समथिंग इज वेरी शेमफुल टू यू कि आपका सेमिस्टर CGPA बहुत गंदा है, क्योंकि आप लोगों ने कम्पीट करना है मार्केट में, अपनी जॉब्स के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मेरी बात हमेशा याद रख लें, जो लोग आपको ये कह रहे हैं बिना पढ़े पास हो जाएंगे, और आप जब उनकी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ये बात सामने आती है, जी हैंडआउट्स पढ़ लें, फलां काम कर लें, ये काम कर लें, वो काम कर लें, पास पेपर पढ़ लें, ऐसा काम नहीं करना आपने। डोंट बिलीव anyone that says that you can pass without study। हमेशा उस बंदे पे यकीन ना करें यार जो कहता है कि मैं बिना पढ़े पास हो जाऊंगा। मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा बंदा नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स हैं और थाउजेंड्स में इंटरेक्ट करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं ये कहा कि आप लोग बिना पढ़े पास होंगे, और ऐसा होता भी नहीं है। और लेट्स सपोज आपकी लक चल भी जाती है, आप अगर MCQs अच्छे कराते हैं या पास पेपर से अगर आपके MCQs आ जाते हैं, तब क्या होगा जी, योर फ्यूचर इज़ योर हैंड, आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। कैसे? यहाँ पे ये बात जानने वाली है कि आप लोग जब किसी आगे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, या आप लोग किस बेसिस के ऊपर अपनी इंटर्नशिप्स करेंगे, किस बेसिस के ऊपर। जो सीनियर लोग हैं वो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, और जो जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर हैं वो इस बात को अभी से समझ लें कि अगर आपको CS 101 अच्छी नहीं आती, आप लोग CS 201 अच्छी नहीं पढ़ सकते। CS 201 अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो 301 आप लोगों को नहीं आएगी। तो हमेशा मेरी बात याद कर लें, आप लोगों ने सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि फर्दर आप लोग आगे जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, जॉब लाइफ में जाएं, तो आप लोगों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपनी ग्रेडिंग स्कीम भी इसीलिए अपडेट की है ताकि हम लोग अपने स्टैंडर्ड को, अपने मेयार को बेहतर कर सकें। तो मेक श्योर कर लें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद सेल्फ राइटिंग करने की कोशिश करनी है। मेक श्योर करें कि आप तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं फॉर पेपर्स के लिए भी। और हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि प्रिपरेशन वीडियोस को ज़रूर सुने, और उस बंदे की प्रिपरेशन वीडियो को सुनिएगा जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा होगा, या जो आप लोगों के साथ जो उसके पास नॉलेज होगा उसको अगर डिलीवर कर रहा होगा, सिर्फ ये नहीं कि पीछे म्यूजिक चल रहा है। और एक और बात स्टूडेंट्स, अब जो 2023 में अब वाले जो पेपर्स आए हैं उसमें क्विजेज, जो आपके क्विजेज की वीडियोस है ना, उनको आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। आपका तकरीबन MCQs का 50% पार्ट आपके क्विजेज से आ रहा था, और ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, मैं पर्सनली एक कैंपस के साथ कनेक्टेड भी हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे यही सुनने को मिला है कि आपके MCQs अगर 27 थे तो 27 में से मिनिमम 15 जो है वो आपके क्विजेज से आ रहे थे। जिस तरह प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह CS 201 प्रैक्टिकल है, CS 301 प्रैक्टिकल है, 304 प्रैक्टिकल है, आप लोगों ने क्विजेज लाजमी देखने हैं। बेशक वो आपको क्विजेज 6 माह पहले मिलते हैं या साल पहले मिलते हैं, वही क्विजेज आपके फाइनल टर्म में आएंगे, और क्योंकि सिलेबस वही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, सिर्फ बताने का मकसद था कि आपका टोटल सेमिस्टर CGPA अच्छा हो जाए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे इन स्टूडेंट्स के और मेरा पर्सनली जो CGPA है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 3.5 से अबव है, लेकिन जो ए ग्रेड्स हैं जिनके, उसके बावजूद टोटल सेमिस्टर CGPA 2 point something की फॉर्म में चला गया है, क्योंकि आप लोग फाइनल टर्म में तैयारी नहीं करते हैं, या फाइनल टर्म को बस वही जो वो लोग जो बता रहे होते हैं, जी अगर आपका फाइनल टर्म का पेपर 80 नंबर का है तो आपने सिर्फ 12 नंबर लेने हैं, तो भाई 12 नंबर लेने का मकसद है कि आप लोग सिर्फ डी ग्रेड ले रहे हैं। आप लोगों ने 80 नंबर में से कम अज़ कम कोशिश करनी है कि 50 नंबर मैं गेट करूं, तो 50 नंबर का पेपर अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके कम अज़ कम 35 या 40 नंबर आते हैं। तो ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, उन लोगों को सुनना छोड़ दें, उन लोगों की वीडियोस को देखना छोड़ दें जो कि ये कह रहे हैं कि बस जी ये काम कर लें आप लोग पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि आप लोग जो है वो बिना पढ़े पास हो सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, चांस ही नहीं है, और फाइनल टर्म में बिल्कुल नहीं है।
आपका मिड टर्म पेपर जैसा भी हुआ है डजेंट मैटर, आप लोगों ने फाइनल टर्म को प्रिपेयर करना है और फाइनल टर्म में कोशिश यही करनी है कि आप लोगों ने 60-70% नंबर्स को गेन करना है ताकि आप लोगों का टोटल सेमिस्टर CGPA अच्छा बने एज वेल एज आपका आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके प्रिपेयर हो सके फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। इसी तरह करते करते जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, जब आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपके पास एक बेसिक नॉलेज होगा, जब आप लोगों से बात करने के काबिल हो सकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये आपके भले के लिए हैं, ठीक है। हार्डवर्किंग ज़रूर है, अगर आप लोग जॉब होल्डर्स हैं तो आप लोग एक टाइम सेलेक्ट कर लें, कम से कम 1.5 से 2 घंटे पढ़ लें दिन में, डैट्स इनफ फॉर यू। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों से बारहा दफ़ा कह रहा हूँ, फाइनल टर्म में वर्चुअल यूनिवर्सिटी कभी भी आपको आसानी से पास नहीं करेगी अब वाली ग्रेडिंग स्कीम के मुताबिक, और अगर पास करती भी है तो आपका सेमिस्टर CGPA बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, इतना डाउन चला जाता है कि वो 1 point something में भी आ जाता है। और आपको टोटल सेमिस्टर के लिए ना, यानी टोटल डिग्री को गेन करने के लिए आपको 2 से अबव CGPA की ज़रूरत है, तो वो तभी हो सकता है अगर आप लोग अपनी तैयारी को 80% तक जो है वो मेक श्योर करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके साथ शेयर की हैं, आप लोगों को मैं उम्मीद करूंगा समझ आ चुकी होंगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट के साथ कोडिंग सीखना चाहते हैं प्रॉपरली, एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको डायरेक्टली मेटा सिस्टम एक सॉफ्टवेयर हाउस है उनके साथ इंटरेक्ट करवा दूंगा, और ये लोग आप लोगों को एडवांस लेवल तक या एडवांस प्रोग्रामर बनाने में 6 माह में बना देंगे। और एज वेल एज ये भी चांस है, इनफैक्ट ये मुझे कह रहे थे 80% चांस यही है कि ये लोग आप लोगों को जॉब्स भी दे देंगे, आप लोग रिमोटली घर बैठ के काम कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट ये लोग करेंगे और आपको काम जो है वो आपके सिस्टम तक या आप तक जो है वो एक्सेस दे दी जाएगी, आप उसको इजीली अवेल कर सकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तर लोगों को मिड टर्म में, फाइनल टर्म में और आइंदा आने वाले हर सेमेस्टर में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।